क्विकली कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं करेले आलू और प्याज की सब्जी। दोस्तों वैसे तो करेले किसी को खाने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप इस स्टाइल में बनाओगे तो मैं बोल सकती हूँ कि आपको और आपके बच्चों को ये सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। इसमें हमको चाहिए होंगे 6-7 कटे हुए आलू, जिसको मैंने लंबे लंबे काट कर पानी में रख दिए हैं। उसके बाद प्याज, जिसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। करेले, जिसको मैंने छील लिया है और बीच में से एक चीर करके जगह कर दिए, जिससे हम जिसकी वजह से हम उसके अंदर मसाला भर सके। उसको बांधने के लिए ये कच्चा धागा लिया है। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए होगा 4 चम्मच लाल मसाला, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच आमचूर और नमक 2 चम्मच लिया है, क्योंकि दोस्तों हमें ये करेले बनाने में 2 चम्मच नमक डालना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा नमक नहीं डालोगे तो ये कड़वे लगेंगे। उसके बाद मसाला भरने के लिए हमने इसमें प्याज है उसको कद्दूकस करके और गोल्डन ब्राउन तल लिया है। आइए शुरू करते हैं सब्जी। एक कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है और उसमें हमने वो जो करेले किए थे वो डाल दिए हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हम उसको तलेंगे। तब तक हम उसका भरने का मसाला है वो तैयार करते हैं। प्याज के अंदर उसमें हम डालेंगे लाल मसाला, थोड़ी सी हल्दी, नमक, आमचूर पाउडर, इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे। तब तक हमारे करेले हैं वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। दोस्तों हम करेले हैं वो तेज आंच पे पकाएंगे। अगर हम धीमी आंच पे पकाएंगे तो उसमें तेल चढ़ जाएगा। ब्राउन होते होते हम उसको साथ में ही निकाल लेंगे। जब तक मसाला हम उसमें भरते हैं तब तक हम गैस को स्लो कर देंगे। और प्याज जो हमने छोटी छोटी काट के रखी थी उसको हम फ्राई कर लेंगे। तेज आंच पर जब तक प्याज है वो फ्राई होती है हम अपने करेले में मसाला भर लेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा गरम करेले की वजह से आपके हाथ ना जल जाएं। इस तरीके से हम सारे करेलों को ऐसे ही भर लेंगे। उसके बाद हम उसमें ऐसा धागा बांध देंगे जिसकी वजह से तलते समय ये जो मसाला है वो उसमें से बाहर ना आ जाए। इसी तरह हम सारे करेलों में मसाला भर के धागा बांध देंगे। प्याज को धीमी आंच पे तलने के बाद प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है, हम उसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमने सारे करेले में धागा बांध दिया है। अब उसको हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे तेल में, जिसकी वजह से सारा मसाला है वो पक जाए। तेज आंच पे हम इसको पकाएंगे। करेले हैं वो फ्राई हो गए हैं, हम उसको निकाल लेंगे।
करेले फ्राई होने के बाद हम उसमें डालेंगे आलू। तेज आंच पे हम उसको फ्राई होने देंगे। धीमी आंच पर करके हम उसको प्लेट रखकर पकने देंगे। आलू हैं वो फ्राई हो गए हैं, देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं ये। उसके बाद हम उसमें डालेंगे तली हुई प्याज, बचा हुआ मसाला, जिसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तले हुए करेले, इन सबको हम तेज आंच पर फ्राई करेंगे। दो मिनट फ्राई होने के बाद उसको 2 मिनट हम प्लेट ढककर, सब्जी है वो पक गई है, अब उसको हम निकाल लेंगे। गर्मा गर्म सर्व करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।